मित्रों, गुरुओं के चार चार बेटे शहीद हुए, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। दो बेटे चमकौर के युद्ध में मारे गए, दो बेटे को औरंगजेब ने दीवारों में चिनवा दिया गया। बहुत दर्द होता है, बहुत वेदना होती है। सर, मैंने 2 मिनट आपसे इसलिए लिए हैं, जब मैं जाता हूं लोग कहते हैं कि सरदार जी 12 बज गए क्या, सरदार जी ये हो गया क्या, हमने बलिदानी कौम को उपहास बना दिया, मजाक का विषय बना दिया, संता बंता के 4000 करोड़ का व्यापार बना दिया। मित्रों, अगर कोई सरदार आपके साथ में निकल जाए, उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की है, हिंदू समाज को बचाया है, देश को बचाया है, और हमारे भाई साहब ने राम सेतु को बचाने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। एक कविता सर मैं लिख रहा हूं, जो पूरी कविता सिखों के बलिदान पर आधारित है। मेरा नाम अमित शर्मा है, और वो कविता अभी मैंने लिखी नहीं है, उसके 3-4 बंद लिखे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि आप आओगे, लेकिन आपकी उपस्थिति में मैं इस एक बंद का आगाज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, मैं मंच से भी क्षमा चाहता हूं। मंच वाले कहेंगे कि अमित शर्मा दादा मैं क्षमा चाहता, क्योंकि मित्रों मैं जो प्रोटोकॉल है उससे बाहर नहीं जाता, जो अनुशासन है उसका पालन करने वाला व्यक्ति हूं। एक मंत्र सर आपके सामने रखता हूं, 2-2.5 मिनट का बंद है, कि हमने कितने दाग लगाए सम्मानों की पगड़ी पर, हमने कितने दाग लगाए सम्मानों की पगड़ी पर, सारे पुरस्कार थोड़े हैं बलिदानों की पगड़ी पर। कि हमने कितने दाग लगाए सम्मानों की पगड़ी पर, सारे पुरस्कार थोड़े हैं बलिदानों की पगड़ी पर, थोड़ी सी आबादी है पर सुविधा सभी नहीं मांगी, आरक्षण की बैसाखी भी जिसने कभी नहीं मांगी, जो सप्ताह के 7 दिन में बस मेहनत की खाता है, चाहे कोई ढाबा खोले या फिर ट्रक चलाता है, उन्हें सताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें, मूर्ख बताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें, कि उन्हें सताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें, मूर्ख बताने वाले लोगों मैं कहता धिक्कार तुम्हें। आज चलो बलिदानी पगड़ी की बातें बतलाता हूँ, सिख धर्म के बलिदान की सारी कथा बताता हूँ, सिखों के एहसान है इतने कैसे कलम चलाऊंगा, सिखों के एहसान है इतने कैसे कलम चलाऊंगा, 7 सागर शाही कर तू फिर भी ना लिख पाऊंगा, 7 सागर शाही कर तू फिर भी ना लिख पाऊंगा। जिन बेटों ने बलिदानी इतिहास बनाकर डाल दिया, जिन बेटों ने बलिदानी इतिहास बनाकर डाल दिया, उन बेटों ने वो हमने बस उपहास बनाकर डाल दिया, उन बेटों को हमने बस उपहास बनाकर डाल दिया। गुरु नानक ने पगड़ी सौंपी, देश धर्म की रक्षा हो, दूर हटे पाखंडवाद, जन जन की यहाँ सुरक्षा हो। गुरु तेग बहादुर से मिलने को कुछ कश्मीरी आए थे, ये बहुत बड़ी बात है, कश्मीर समस्या आज की नहीं, बहुत पुरानी है। गुरु तेग बहादुर से मिलने को कुछ कश्मीरी आए थे, मुस्लिम अत्याचारों से वो सारे ही घबराए थे, कश्मीरी बोले परेशान है गुरुजी दहशत गर्दी से, मुस्लिम सबको बना रहा औरंगजेब ना मर्दी से। सोचा गुरु ने और कहा कीमत भारी चुकानी है, भारत देश मांग रहा इस समय बड़ी कुर्बानी है, सब शेरों से बोलो कि अब हाथों में हथियार रखे, और पिता से बोलो बेटों की अर्थी तैयार रखे, धन दौलत और खनिज संपदा दे धर्म के नाम करे, माओ से बोलो कि अब निज बेटों का भी दान करे, माओ से बोलो कि अब निज बेटों माओ से बोलो कि अब निज बेटों का भी दान करे। एक पतंगा गुरु के अंदर भीतर तक ही चला गया, एक पतंगा गुरु के दिल के भीतर तक ही चला गया, हुए रोंगटे खड़े गुरु के हाथ कृपाण पे चला गया, हुए रोंगटे खड़े गुरु के हाथ हुए रोंगटे खड़े गुरु के हाथ कृपाण पर चला गया। पीकर गुस्सा पल भर में ही तेग बहादुर हो गए मौन, लंबी सांस खींचकर बोले बड़ी कुर्बानी देगा कौन, लंबी सांस खींचकर बोले बड़ी कुर्बानी देगा कौन। और उस समय पर गुरु गोविंद सिंह की आयु मात्र 9 वर्ष की थी, आपको मालूम होगा उनकी 9 वर्ष की आयु थी। तो उन्होंने कहा, जब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि बड़ी कुर्बानी देगा कौन, बात हुई कुछ ऐसी, उस दिन धरती यंबर डोल गई। क्या हुआ होगा, एक चित्र आपके सामने रखता हूं, कि बात हुई कुछ ऐसी, उस दिन धरती यंबर डोल गए, 9 साल के गुरु गोविंद जी सबके सम्मुख बोल गए, कहा पिताजी उस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, कहा पिताजी उस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, औरंगजेब से आप लड़ो कुर्बानी बहुत बड़ी होगी। कहा पिताजी उस शव पर भारत की नींव खड़ी होगी, औरंगजेब से आप लड़ो कुर्बानी बहुत बड़ी होगी। और मित्रों, बीच का
जो अनसे मैंने लिखा नहीं है, बस अंतिम दो पंक्ति रखता हूं, तो उसके बाद में मैं उसको गद्य में बता देता हूं कि जब गुरु तेग बहादुर उनसे मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कैद कर लिया और उनका शीश काट दिया। तो अंतिम दो पंक्तियां सर समर्पित करता हूं और यहीं विराम देता हूं। बहुत लंबी कविता मुझे लिखनी है, सारे कंटेंट्स मैंने लिखे हैं कि मैं अब भी शीश झुकाता हूं, मैं अब भी शीश झुकाता हूं, मैं अब भी शीश झुकाता हूं उस दिल्ली के गलिहारे में जहां गुरु का शीश गिरा था शीशगंज गुरुद्वारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद।